हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। एंड ऑब्वियसली दिस इज मेकिंग मी सो मच ऑफ इमोशनल राइट नाउ, बिकॉज थोड़े बहुत कंटेंट बाकी रह गए हैं प्रेगनेंसी के। एंड अगर आपने कुछ भी कंटेंट मेरा इस टाइम का मिस आउट कर दिया तो प्लीज डू चेक आउट माय इंस्टाग्राम आईडी एज वेल। यस, ऑब्वियसली आई एम एंटर टू माय 37 वीक राइट नाउ। एंड ये तो बनता ही है, इतना लॉन्ग वे आने के बाद यही एक परफेक्ट टाइम था। मैंने सोचा कि चलो आपके लिए डाइपर स्लैश बेबी बैग का एक वीडियो बनाया जाए, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए, आप सबके लिए जो भी ये चीज़ से अभी जा रहे हैं, जिनको भी हॉस्पिटल कभी भी एनी टाइम रस के भागना पड़ेगा। तो जल्दी हम ज़्यादा लेट नहीं करेंगे। मैं पहले एक्चुअली अपने लिए बैग पैक करती थी, मेरे स्कूल के लिए बैग पैक करती थी, बट आज जो है मैं मेरे बेबी के लिए बैग पैक कर रही हूँ। बहुत सारा रिसर्च करने के बाद मम्मी, फ्रेंड्स और कुछ कुछ एक्सपीरियंस मदर से टिप्स लेने के बाद जाके मैं आपके लिए एक होल वीडियो बना रही हूँ। एंड यस, ये वीडियो कोई प्रमोशन में वीडियो नहीं है, जो चीज़ें मैंने लिया है वही चीजें मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। तो डोंट बी लेट, लेट्स गो। हेल्दी लाइफस्टाइल्स को देख के हम लोग ये सब चीजें कर रहे हैं, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं अपने डायपर बैग में क्या रख रही हूँ और क्या नहीं। एक्चुअली जो चीजें मुझे डिलीवरी के टाइम काम आने वाली है और कुछ चीजें आफ्टर बेबी जब घर पे आ जाएगा तब काम आ जाएगी। चीज है कि मेरा डिलीवरी ऑब्वियसली मई में होने वाला है और बहुत उस टाइम इतनी गर्मी होने वाली है, मुझे गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा, तो पता नहीं आने वाला जो क्यूट सा बच्चा होगा उसको कैसे गर्मी बर्दाश्त होने वाली है। तो क्या क्या चीज़ें नीडेड हैं और क्या क्या नहीं है मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगी, तो लेट्स गो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई केम अप विद दिस बैग, दिस इज माय डायपर बैग गोइंग टू बी, एंड आगे इसको मैं चेंज भी कर सकती हूँ। हालांकि ये मेरे पास था तो मैंने बहुत सारे चीज़ों में इन्वेस्ट जरूर किया, लेकिन कुछ चीज़ों में मैंने इन्वेस्ट नहीं भी किया, क्योंकि जैसे जैसे आगे होते जाएगा बच्चे का जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है, तो इसीलिए मैंने कुछ चीज़ें नहीं लिया। कुछ चीज़ें जो एसेंशियल चीज़ें हैं, जो ज़्यादा ज़रूरी है एट द स्टार्टिंग स्टेज, वही मैंने लिया है। तो ये एक मेरे पास बैग था जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, एंड द ब्रांड इज़ होमफू। अगर आपको बैग के लिंक्स चाहिए तो मैं ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी। तो इसका जो साइज है वो इस तरह से है, एंड कंपार्टमेंट भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। यहाँ आपको एक चेन मिल जाएगा, यहाँ आपको एक जिप मिल जाएगा, अंदर आपको इस काइंड एक जिप मिल जाएगा, तो अच्छे खासे यहाँ छोटे छोटे चीज़ें हम कुछ भी बेबी के रख सकते हैं, टिश्यूज हो गए, कुछ भी, एनीथिंग। तो ये एक अच्छा स्पेस वाला है एक्चुअली, तो मैं सोच रही हूँ यही बनने वाला है मेरा डायपर बैग तो और बेबी बैग, तो इसमें जो भी होगा वो पैक होने वाला है। तो द नेक्स्ट थिंग मैं लेके आई हूँ ये लव लैप का स्वैडल रैप, जो कि बहुत ही क्यूट प्रिंट्स है। इसके अलग अलग कलर्स दिए हैं इन लोगों ने, और भी बहुत सारे कलर ऑप्शंस थे, लेकिन मुझे यही कलर अच्छा लगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लाइट एंड वाइब्रेंट कलर था, मुझे ज़्यादा डार्क कलर में नहीं जाना था, क्योंकि हमें नहीं पता कि क्या होने वाली है बेबी बॉय या बेबी गर्ल, तो उसके लिए। और ये बहुत ही प्यारा सा मसलिन कॉटन का है, और मैंने इसके रिव्यूज भी पढ़े थे काफ़ी अच्छे के लव लैब के, बहुत ही, क्योंकि 3 पीसेस में आते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड होता है, ताकि बच्चा जब हम उसको स्वैडल करें तो अच्छे से अंदर आ जाए और कम्फर्टेबली वो सो जाए। तो आई होप कि जो भी मॉम टू बी बनने वाली हैं और जिनको पता नहीं है, तो मैं ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो ये एक मैंने मंगवाया था, और है बेबी हग का ही ये क्यूट सा ब्लैंकेट है, क्योंकि मैंने ज़्यादा थिक मटेरियल में ब्लैंकेट लेना प्रेफर नहीं किया है, क्योंकि अभी बहुत गर्मी है, और अगर मैंने सुना है कि छोटे बच्चे को और भी ज़्यादा गर्मी लगती है, तो मैंने ये जस्ट टेम्पररी, अगर मुझे ज़्यादा कभी गर्मी लगी, अगर मैंने एसी वेसी चालू किया, तो मैं बेबी को ये वाला एक छोटू सा ब्लैंकेट है, बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है गाइज। और ये प्रिंट मुझे, मैंने जानबूझ के हर चीज़ें डार्क कलर में ली, क्योंकि बेबी बहुत गंदे करते हैं, और मैंने भी देखा है, मैं जब बड़ी हो गई थी और मेरे छोटे भाई बहन जब बड़े हो रहे, तो मैं देखती थी, तो मैंने इस अकॉर्डिंग लिया। और ये डार्क कलर है, दैट्स वाई, और इसका प्रिंट भी एक छोटू छोटू शिप जैसा है, तो ये भी मुझे अच्छी प्राइस में बेबी हग का ब्रांड का मुझे मिल गया, इसलिए मैंने ज़्यादा देर नहीं किया, मैंने ये ले ही लिया। एंड
द प्रोडक्ट इज समवंस इज फॉर बेबी एंड इट्स फ्रॉम चीनी बेरी. मैंने मोस्ट ऑफ द चीजें जो है वो अमेजोन फ्लिपकार्ट एंड ऐसे कुछ वेबसाइट से मंगवाया है जो कि काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में. मैंने प्राइस को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखते हुए मैंने हर चीज़ में इन्वेस्ट किया है. ऐसा नहीं कि और बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है मेरे पास वो बेबी हक का है, लव लैप का है, फर्स्ट क्राई से कुछ कुछ है. तो मैंने देर आर लॉट्स ऑफ रिसर्च गाइज एंड यू विल डेफिनेटली गॉट टू नो अबाउट हाउ द जर्नी इज गोइंग टू बी कमिंग. तो ये मैंने 3 वंसेस लिया है, पता नहीं क्यों बट मुझे ये ब्लू कलर में ज़्यादा अच्छा लगा. तो ये बहुत ही अच्छा, सो ये मटेरियल काफ़ी अच्छा था और मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ इस प्रोडक्ट से. तो मैंने अपने पास रख लिया. जो जो मुझे अच्छा नहीं लगा वो मैंने ऑलरेडी रिटर्न कर दिया है और जो अच्छे लगे वो मैंने ऑब्वियसली मेरे साथ रख लिया था. एंड अनदर इज मैंने ये बेबी हक का डायपर मंगवाया था जो कि 22 डायपर है इसमें. मैं आगे और भी मंगवा सकती हूँ बट इन केस ऑफ मुझे हॉस्पिटल जल्दी भागना पड़े इसलिए मैंने एक छोटा पैक मंगवाया है और बाकी बड़ा पैक मैं बाद में मंगवा लूँगी. तो ये बेबी हक का डायपर है एंड इसको मुझे मेरी एक फ्रेंड है उसने सजेस्ट किया था कि यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस डायपर बिकॉज ये बहुत ही कंफर्टेबल है. ये ज़्यादा साइज में बड़ा नहीं है, मतलब अच्छे साइज में मिल जा रहा है एंड इसमें जो है बेबी के स्किन को कोई हार्म नहीं करने वाला है. एंड दूसरा थिंग कि इट्स फ्रॉम इंडिकेटर, लाइक इंडिकेटर के साथ आता है कि बेबी का डायपर कब चेंज करना है, ये फुल हो चुका है. तो यस ऑब्वियसली आई लव दिस एंड दिस इज. मैंने यहाँ कुछ नैपीज मंगवा लिया था एंड अगेन इज फ्रॉम फ्लिपकार्ट एंड ये कुछ 10 पीसेस में नैपी है जिसको मैंने प्रॉपर वॉश करके धूप दे के अच्छे से आयन करके रख लिया है. तो है ऑब्वियसली ये पुराने जमाने में जो ट्राइंगल शेप में आता था वैसा शेप नहीं है. ये एक प्रॉपर अंडरवेयर शेप में है जिसपे डायपर भी प्रॉपर फिट हो सकता है. न्यूबॉर्न के लिए एकदम परफेक्ट साइज है, ईजी टू वेयर है. क्योंकि मैं पर्सनली बोल रही हूँ कि जब मेरे छोटे भाई बहन हुए थे तो वो मुझे नहीं आता था बट ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा. तो जिसको भी अगर ऐसे नेपिस लेना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ. तो ये कुछ इस तरह से है, आप देख रहे हो. जस्ट डायपर पहनाओ या तो नहीं पहनाओ. एंड मैंने अभी ये 10 के सेट्स में लिया था क्योंकि ठीक है बच्चे अगर ज़्यादा पोटी सुसु कर लेंगे तो उसको हम फेंक भी सकते हैं. देर आर मेन है कि मैंने ये जानबूझ के पतला मटेरियल में लिया क्योंकि बेबी जो है वो ऑब्वियसली समर में आने वाला है तो उसकी स्किन को भी ध्यान में रखते हुए मैंने ये चीज़ को इससे है जो कि होशियरी स्लीवलेस वेस्ट है. क्योंकि जब स्टार्टिंग में बेबी बॉर्न होने वाला ये इस मटेरियल में है और ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में था और इसका मटेरियल भी थोड़ा काइंड ऑफ कॉटन एंड मसलिन जो मिक्स है वो है. और ये आप देख सकते हो इसके जो प्रिंट्स है वो भी बहुत ज्यादा क्यूट है. जानबूझ के मैंने ये बटन्स वाले लिए हैं और स्लीवलेस पैटर्न में लिए हैं क्योंकि स्टार्टिंग में उसको भी थोड़ा मुझे नहीं पता है कि बेबीज जो होते हैं उन्हें ज्यादा ठंडी लगती है या ज्यादा गर्मी लगती है. ऑब्वियसली ठंड के लिए मेरे पास है उनके लिए फुल स्लीव्स के कुछ, लेकिन ये अगर घर पे ज्यादा गर्मी लगी इन केस लाइट वाइट चला गया और स्टार्टिंग के स्टेज में उनका अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है वो ड्राई होके नहीं गिरता होता है और उसमें इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं. दैट्स व्हाई मैंने ये ओपन अप वाला लिया है ताकि मैं इसको ओपन करके भी उसको अच्छे से रख सकूं और उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं, क्योंकि बंद होके ऑब्वियसली वो थोड़ा मुझे नहीं पता ऐसे मेरी मॉम बोल रही थी. तो बेटर कि हम सेफर साइड के लिए ऐसे भी थोड़े बहुत कपड़े ले लें वही अच्छा है. मी एंड मॉम्स का ये वेट वाइप्स है तो मुझे ये 3 के सेट्स में मिला था. ऑब्वियसली मैं हॉस्पिटल में तो सारा लेके नहीं जाऊंगी, ये एक ही लेके जाने वाली हूँ. इनफ है इसमें, एक में भी 72 पीसेस आते हैं. एनी एलोवेरा एक्सट्रेक्ट है, डर्मेटोलॉजी टेस्टेड है एंड मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद देखा कि काफ़ी सारी मम्स जो है वो यूज़ कर रही है ये प्रोडक्ट और कोई हार्म नहीं हो रहा है बेबी को. और मेन चीज़ ये है इसमें ज़्यादा फ्रेगनेंस नहीं, क्योंकि बच्चे जो होते वो स्टार्टिंग के स्टेज में फ्रेगनेंस उन्हें नहीं अच्छा लगता. तो मैंने ये फ्रेगनेंस फ्री वाले मंगवाए थे तो ये एक मैं अपने बैग में रखी था. आई हैव दिस ओयो बेबी का ये मैंने मंगवाया है ड्राई शीट ऑब्वियसली. हालांकि काम तो बहुत ही ज़्यादा आने वाला है क्योंकि बच्चे जब सुसु पॉटी ज़्यादा करते हैं तो ड्राई शीट का यही एक बेनिफिट है कि वो जल्दी सूख जाता है और हम इसको एक दो टाइम का वॉश करके भी तुरंत सुखा सकते हैं. तो ये ड्राई होके हम वापस से इसको रीयूज कर सकते हैं. तो ये एक प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगा एंड
अच्छे प्राइस में भी मुझे मिल गया, सेट्स में मिला था। और इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन है बट आई विल गो विद दिस ग्रे एंड अनदर प्रोडक्ट इज आई हैव हिमालयन डाइपर रैशेस क्रीम। रखना ज्यादा एसेंशियल है, मैंने बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स जो भी बना रहे थे मैंने देखा था कि मोस्ट ऑफ द मम डाइपर रैशेस क्रीम रख रही है, क्योंकि मैंने जैसे कि बोला स्टार्टिंग के स्टेज में हमें कोई आइडिया नहीं होता है कि बेबी को क्या चीज़ सूट करने वाला है क्या नहीं करने वाला है, उसकी स्किन जो है वो किस तरह से सारे प्रोडक्ट्स को ऑब्जर्व करती है। तो एक डायपर के साथ डायपर क्रीम रख लिया है, अगर इन केस मुझे ज़्यादा डायपर यूज़ करना पड़े हॉस्पिटल में तो रैशेस वैशेज के लिए बैकअप के लिए मैंने हिमालयन का डायपर क्रीम रखा है। मैंने हिमालया का ही सोप शैम्पू एंड बॉडी लोशन तीनों के दिन मैंने हिमालयन की ही रख ली है। अनदर थिंग इज जो मेरे हॉस्पिटल लिस्ट में आया था एंड बहुत सारे मम्स भी कैरी कर रही हैं, ये बिप्स बेबी बिप्स जो मुझे तीन के सेट में पड़ा था और काफ़ी ज़्यादा इस काइंड मटेरियल में और काफ़ी ज़्यादा क्यूट प्रिंट्स है, मुझे डिसेंट लाइट कलर में एक येलो पिंक एंड इस तरह से मिला। और स्टार्टिंग में तो मुझे नहीं पता हॉस्पिटल में लेके जाऊंगी या नहीं जाऊंगी, बट लिस्ट में इंक्लूडेड है तो मैं एक लेके जाऊंगी, अगर उसको कुछ खाते टाइम वॉमिट हो गया तो कपड़े वपड़े उसके और मेरे दोनों के ही ना खराब हो, इसलिए ये एक सेफर साइड के लिए। और जैसे जैसे वो बड़ा होगा तो एक इस तरह से बटन है, हम टाई कर सकते हैं इसे, तो ये मैंने ले लिया है। का है कैप्स मिटन्स एंड बूटीज, तो ये मैंने फिलहाल के लिए अभी तो दो मंगवाए हैं दो के सेट में, ये ब्लू कलर का है जो मुझे बहुत ज्यादा प्यारा लगा और दूसरा कलर जो मुझे वो प्यारा नहीं लगा था इसलिए मैंने उसको रिटर्न मार दिया। तो ये बहुत इसको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स में क्या होता है ना एक इलास्टिक पैटर्न होता है तो शायद बच्चे को लग सकती है, वो बहुत नाजुक होता है बहुत सेंसिटिव होता है तो हम जब लगाते हैं तो उसको प्रॉब्लम ना हो दुखे ना करके, तो मैंने इस काइंड ऑफ लिया है। और ये है कैप सी। सो अनदर प्रोडक्ट इज फ्रॉम बेबी हग विच इज ऑब्वियसली काइंड ऑफ लाइक करियर्स, वी कैन यूज लाइक इसको हम टॉवल के तरह यूज कर सकते बेबी को रैप करने के लिए, तो ये एक मुझे अच्छा लगा था। और पता नहीं मुझे बहुत सारे प्रोडक्ट्स मोस्टली मेरे ब्लू ब्लू कलर के हो गए बट वही मुझे अट्रैक्ट कर रहा था, लेट्स सी क्या होने वाला है, मुझे कुछ आइडिया नहीं है कैसा होने वाला है, बेबी बॉय आने वाले हैं या बेबी गर्ल आने वाली है, तो आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या आने वाला है बेबी बॉय या बेबी गर्ल। तो ये अनदर प्रोडक्ट जो है वो करियर है, तो हम इसको ऑब्वियसली मैं यूज करूंगी, तो ये इस तरह से है दिस, तो इसमें आराम से बच्चा 6-7 महीने तक हम इसको यूज करेंगे भरपूर बिकॉज उसको डस्ट वस्ट ना लगे इसलिए भी। बेबी की जो नानी है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इसके लिए और मेरे जो 7 मंथ से वो गोदरेज बनाना चालू, कुछ कुछ उन्होंने खुद ही स्टिचिंग किया है तो बहुत क्यूट लगता है मुझे ये सब चीज़ें कि चलो एटलीस्ट आने वाला जो भी छोटा बेबी है उसके लिए बहुत सारे जन का प्यार मिल रहा है एंड आई एम सो मच एक्साइटेड विथ शेयरिंग ऑल द थिंग्स विथ यू गाइस। मॉम ने गोदरी बनाया है इस टाइम और ऑब्वियसली घर पे बनाया हुआ है तो ये बहुत ही ज्यादा सेफ है एंड इसमें कॉटन्स के मटेरियल अंदर जो रुई एंड कॉटन्स के कुछ कुछ कपड़े उन्होंने डाल के ऐसे छोटे छोटे साइज में उन्होंने 7 से 8 गोदरेज बनाया है, तो मैं डेफिनेटली आई एम गोना यूज दिस ह्यूज इन ह्यूज अमाउंट, लाइक इसके लिए मैं कवर बना दूंगी क्यूट क्यूट से। अब हालांकि मैंने अभी तक नहीं बनाया क्योंकि अभी अभी आए हुए हैं तो ये एक मैं रख लूंगी, एक ही रखूंगी अगर मुझे काम लगे, बाकी मैं घर पे आके इसको यूज करूँगी। एक आउटफिट ऐसा भी ले लिया है जो इसमें से तो मैं कुछ भी पहना के लेके आ सकती हूँ बट एक मेरी फ्रेंड ने मुझे ये गिफ्ट किया जब मैं गोवा से आ रही थी तब, तो मैं इसको शायद बेबी को पहना के घर पे लेके और इसमें क्यूट क्यूट एलिफेंट एंड रैबिट के प्रिंट्स है, इसके साथ इसका एक पैंटी भी आया हुआ है और एक छोटू सा कैप काइंड ऑफ दिस, तो मेरे पास हो चुका है बच्चा बेबी के लिए 2 कैप तो मैंने कैप नीडेड नहीं समझा, तो ये एक ऑब्वियसली मैं इसको एक मेरे साथ लेके जाऊंगी। कॉटन में मैंने एक बेबी टॉवल रख लिया है, कभी भी काम आ सकता है इसको, मैं एज अ
बपी बप क्लोथ भी यूज कर सकती हूँ और कुछ भी उसका फेस वेस कुछ अगर लगे तो क्लीन भी कर। बोलते हुए भी ये बहुत ज्यादा इमोशनल लगता है कि बेबी की नानी और पर नानी, जब मेरी नानी यहाँ सूरत में थी तो उन दोनों ने मिलकर ये क्यूट सा मस्टर्ड पिलो बनाया था घर पे, तो जिसमें बहुत सारा बेनिफिट्स है गाइस इसको सुलाने में। बेबी का जो हेड है वो अच्छे से शेप में हो जाएगा और तो उन्होंने बहुत प्यार से बनाया, तो मैं भी इसको यूज करूंगी हॉस्पिटल से आने के बाद। मैट्रेस जैसा काइंड ऑफ थोड़ा थिक मटेरियल में गोदरी, ये सब मैं हॉस्पिटल में लेके नहीं जाऊंगी, ये सब घर पे आके यूज होगा। हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा एसेंशियल चीजें ही लेके जाऊंगी। इसके साथ मम ने बनाया था ये एक छोटा सा क्यूट सा पिलो, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में भी, बहुत क्यूट लग रहा है, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि मतलब मैं मेरे लिए शॉपिंग करती थी और अब मैं बेबी के लिए शॉपिंग कर रही हूँ। कॉटन के कपड़े रख लिए हैं जिसको मैं अगेन एज अ बर्क क्लोथ, एज अ वॉश, कुछ भी मैं यूज कर सकती हूँ और काइंड ऑफ ऐसे पीसेस में, जीरो 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 मीटर में, तो इस काइंड ऑफ मैं रख के उसको वर्क करवा सकती हूँ। सो माई फाइनल प्रोडक्ट आई एम गोइंग टू शो लास्ट बट नॉट द लिस्ट, द ह्यूज पैक फ्रॉम फर्स्ट क्राई ज़ू ब्रांड का है ये, जिसमें एक बैडिंग सेट है मॉस्किटो नेट वाला है और जिसको हम करियर भी बोल सकते हैं, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है गाइस, क्योंकि मुझे नहीं पता बॉय होने वाला है या गर्ल होने वाला है, तो मैंने सारे जो कलर है मैंने इस तरह से ही लिया है कि लाइट वेट कलर एंड बस कुछ कुछ ड्रेस मुझे ब्लू कलर में अच्छे लगे तो वो मैंने ले लिया। और ये एक बेबी के लिए पिलो बहुत सारे हो गए, इस काइंड ऑफ बहुत क्यूट क्यूट पिलो, ये मैंने येलो कलर में लिया है, तो ये एक आप देख सकते हो ऐसा, इसको हम ऐसे करके कवर कर सकते हैं ताकि कोई भी इन्फेक्शन या मॉस्किटो कुछ भी कट जाए तो बेबी के स्किन को इम्पैक्ट ना करे, इसलिए हम उसको ऑल टाइम कवर अप करके ही रखेंगे। उसके साथ मुझे मिला है ये एक करियो जिसको मैं डेफिनेटली, वो तो मैं हॉस्पिटल में नहीं लेके जाऊंगी मॉस्किटो वाला, बट इसको मैं लेके जाऊंगी क्योंकि बच्चा स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा छोटा होता है और हमें बहुत ज़्यादा डर लगने वाला है, मुझे पता है कुछ भी हो गया इसलिए पकड़ना आया ना आया। तो आजकल बहुत अच्छे अच्छे फैसिलिटीज मार्केट में आ चुके हैं तो लोग काफ़ी उसका अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं एक इस काइंड ऑफ आपको दिखाती हूँ। इसमें जिप है जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी का है, तो ऐसे लेके हम आ सकते हैं, बेबी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है इसमें, ना कि उसके हाथ पैर मुड़ने वाले हैं, वो अच्छे से सीधा ही रहेगा। फिर घर आने के बाद बस अगेन जिप को खोल के इसको मैं एज अ कहीं भी अगर बाहर जाऊं, ज्यादा सामान मुझे ना ले जाना पड़े, तो मैं इसको एज अ मैट्रेस भी इस काइंड यूज कर सकती हूँ इधर सुला के। तो कैसा लगा आपको गाइस? तो दैट्स इट गाइस, और मुझे बहुत ही ज्यादा ओवरवेल्म फील हो रहा है कि मैं ये सब चीज आपके साथ शेयर कर पा रही हूँ एंड दिस इज द परफेक्ट टाइम आई गेस कि मैं मेरे 37 वीक में एंटर हो चुकी हूँ। हालांकि यूजुअली 34 टू 36 वीक में ये सब रेडी कर देना पड़ता है क्योंकि कभी भी आपको डिलीवरी लेबर पेन कॉन्ट्रेक्शन आ सकते हैं, तो आपको हॉस्पिटल भागना पड़ेगा और एंड टाइम में आपको नहीं पता होता कि क्या लेके जाना है, बट मेरा तो हॉस्पिटल बहुत पास है तो मुझे कोई इतना इशू नहीं होने वाला। अगर मैं कुछ भी भूल जा रही हूँ तो मैं किसी को भी बोल के मंगवा सकती हूँ, एंड ये तो इतना है बट एंड मोमेंट में अगर मुझे कुछ भी याद आ जाए, कुछ भी होगा, तो मैं ये सब रख लूंगी, चेंज भी हो सकता है इसमें से, ऐसा कोई फिक्स नहीं कि यही चीज है। और मैंने सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके कुछ भी अगर आपको चाहिए तो आप इजीली जस्ट वो लिंक पर टैप करें और ऑर्डर कर सकते हैं आप, तो इतनी तकलीफ नहीं होने वाली है, बस इतनी मेहनत तो कर ही सकते हैं। तो मेरा डायपर बैग हो चुका है रेडी बेबी के लिए। अनदर वीडियो जो आने वाला है वो है हॉस्पिटल बैग फॉर मी, मैं अपने लिए क्या रख रही हूँ वो भी मैं डाल दूंगी, तो आप वो भी देखना। और मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो के बहुत सारा प्यार दीजिए एंड विश मी लक गाइस, क्योंकि मुझे ज्यादा डर तो नहीं लग रहा है बट ऑब्वियसली दिस इज माय फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस, मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, सिचुएशन को मैं कैसे हैंडल करूंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होने वाली है, तो बहुत कुछ चेंजेस होने वाला है लाइफ में। आई एम एक्साइटेड बट बस इतना ही कहना चाहूंगी, विश मी लक एंड बहुत सारा प्यार दीजिए इस वीडियो को और मुझे एंड आने वाले बेबी को भी। तो इतना ही प्रोडक्ट मैंने आपको शो किया है, तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।